सो गाइज हमारे साथ एक गंदा वाला सीन हो चुका है। हाय गाइज गुड मॉर्निंग, फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं, मतलब अंदर ही है, निकल रहे हैं अभी। और सबको हैप्पी होली। और आप लोग पीछे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नया टेम्पल एक चल रहा है काम इसका, तो अभी 12 साल हो गया, अभी भी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है ये, जिसका माने इस प्रोजेक्ट का प्राइस है लगभग 6000 या 6500 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। तो अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, सो प्रोसेस अभी भी बहुत चल रहा है। सो अभी हम जा रहे हैं। सो गाइज अभी हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, जो विष्णुप्रिया स्टेशन में उतरे थे वहीं पे हम हैं अभी। सो ट्रेन आने वाला है अभी, और आप लोग को वहां पे बता दे रहा था कि वो ही नया टेम्पल जो बन रहा है, सो वो जब भी बनेगा मैं फिर से आऊँगा, आप लोग को फिर से दिखाऊंगा उसका लुक। बहुत अच्छा है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है ये, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा मंदिर है वो बनने जा रहा है। मतलब सब डिजिटल होगा, 3D व्यू होगा सब, और कोई भी मतलब वहाँ पर बोलने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, सब 3D सैंपल के माध्यम से आप लोग को दिखाया जाएगा। सो अभी ट्रेन को आने दीजिए, ट्रेन आने के बाद आपसे बात करते। गाइस हमारे साथ एक गंदा वाला सीन हो चुका है, मतलब बहुत ही बड़ा गंदा वाला सीन हुआ है, क्योंकि हम ट्रेन में उठने के बाद हमारे बैग जो है रखे थे, तो कोई एक बंदे ने हमारे मतलब उस भैया के बैग को, मतलब मेरे साथ जो भैया आए थे उनके बैग को लेके चला गया है, मतलब खुद के बैग के रख के हमारे बैग लेके चला गया है। सो हम जब यहाँ पर उतरने वाले थे एक स्टेशन पहले, बेंडल से एक स्टेशन पहले, इस स्टेशन का नाम है बांसबेरिया। सो इस स्टेशन में जब हम बैग निकाले तो हमारा बैग नहीं मिला। सो तभी स्टेशन मास्टर इस स्टेशन में आके बोले कि हमारा बैग जो है उस बैग मतलब उस बंदे के पास है, वो फ़ोन नंबर दिया था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर उतरे हैं, वो आने के बाद देखें क्या होगा। मतलब इतना गंदा वाला सीन ये हुआ है कि बैग तो गया कब आएगा पता नहीं, उसके बाद ट्रेन बहुत लेट हो जाएगा, अभी 1 घंटा बैठना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद और एक ट्रेन है, तो क्या करें पता नहीं। तो इसलिए सबको यही बोलता हूँ कि खुद की बैग ना पूरा देख के रखें, क्योंकि हमारी तरह गंदा वाला सीन नहीं तो हो जाएगा पूरा। तो सो गाइस देखते हैं, आने दीजिए उस लोग को, उस बंदे को आने दीजिए, तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस फाइनली भैया आपको बैग मिल गया, वो लोग जो थे मतलब वो बंदे जो थे बहुत अच्छे थे, इसीलिए आके दे गए, अच्छी बात है दे गए। तो अभी क्या करेंगे पता नहीं, तो चलते हैं लेट्स, तो थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ। सो गाइज फिर से ट्रेन आ चुका है, हम यहाँ पे जाएंगे बेंडल, तो बेंडल पहुँचने के बाद आपसे बात करते हैं। सो गाइज अभी हम बेंडल स्टेशन में है, इनका मन पूरा खुश है, पूरा दिल से खुश है, क्योंकि इन जब ट्रेन में खड़े थे ना, कोई एक लड़का ट्रेन के बाहर से देखो रंगोली फेंका, इसे रंगोली नहीं क्या ये क्या है, रंग को पानी में बुला के फेंका है इसको, अच्छी बात है रंग खेल लो। सो गाइज ट्रेन कब तक आएगा पता नहीं, सो ट्रेन को पहले आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। घर में जाकर बहुत कुछ काम है, जैसे कि फिर से जाना पड़ेगा फोटोशूट करने के लिए, तो पहले घर पहुँचे उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर सब बैग फेंक है, इस साइड सब साइड बैग है, तो पहले घर पहुँचे उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। ट्रेन पहले आने दीजिए उसके बाद तो घर जाएंगे ना, ट्रेन को पहले आने दीजिए उसके बाद देखते हैं। सो गाइज अभी हम ट्रेन में हैं, ट्रेन अभी 10:45 को निकलेगा यहाँ से, तो पहले स्टेशन में उतरते हैं हावड़ा में, उसके बाद देखते हैं जाएंगे, उसके बाद फिर से ड्रेस चेंज करके होली खेलना पड़ेगा, तो चलते हैं पहले ट्रेन तो स्टार्ट होने दीजिए उसके बाद चलेंगे, ठीक है। सो गाइज चलते हैं। सो गाइज फाइनली मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ, जैसे कि अभी चेंज करके फिर से फ़ोटोशूट के लिए जाना पड़ेगा, और मैं मोबाइल नहीं ले सकता क्योंकि वहाँ पर जो आज तो होली है ना, अगर मोबाइल भीग गया तो ख़त्म सब कुछ। सो
तो इसलिए मैं मोबाइल नहीं लूँगा, अभी फ़ोटोशूट में जाना है, तो अभी निकलूँगा मैं, ड्रेस सिर्फ चेंज करूँगा, निकल जाऊँगा अभी। सो गाइज, मैं फ़ोटोशूट के बाद आपसे बात करता हूँ, फ़ोटोशूट कर लूँ पहले, उसके बाद आके आपसे बात करता हूँ। तो सो गाइज बाय। सो गाइज, अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ होली खेल के। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। सो गाइज, फिर से मिलते हैं, तो बाय।